स्वागत है आपका। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, शायद आप गैस कर पाए, ये है नैनीताल की झील। और आज हम आए हैं नैनीताल में, बहुत टाइम बाद ये थोड़ा सा ओपन हुआ है। जैसे कि दिल्ली से हमें पता है कि अब बसेस जो हैं ओपन हो चुकी हैं यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, तो आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ मौसम जो है ठंडा है काफ़ी। आइए मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वेदर काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको भीड़ का दिखा देता हूँ। लोग तो आ ही रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपका उत्तराखंड नैनीताल का बस स्टैंड, जो कि यहाँ पर आप सामने बस देख रहे होंगे। ये आपका काठगोदाम से सर्विस है इसकी नैनीताल तक की। और यहाँ पर एक जो एक फोटो का पॉइंट है देख पा रहे हैं, यहाँ भीड़ है काफ़ी, उतनी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको भीड़ लगेगी, क्योंकि लोगों का आना अब स्टार्ट हो गया है। यहाँ के लोकल के भी लोग हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं, वेदर अच्छा है यहाँ पर। और देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और जैसे कि आप यहाँ पर नैनीताल लेक में झील में देख पा रहे हैं, सामने आपको जो बोटिंग है वो भी आपको स्टार्ट हो चुकी है। बोटिंग आपको जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे, दो बोट्स नज़र आ रही हैं, वो स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ का आनंद भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल जो है काफ़ी ऊपर हो चुका है इस टाइम लेक का, और काफ़ी क्लीन भी है। देख सकते हैं यहाँ पे मछलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, तो ईज़िली आप आ सकते हैं यहाँ पर। अभी कोई ज़्यादा इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। काफ़ी लोग अब तक अपने अपनी सिटीज़ में काफ़ी टाइम से वहीं स्टे कर रहे हैं, तो लेकिन अब आप आ सकते हैं उत्तराखंड वगैरह, आप घूम सकते हैं। अपना प्राइवेट व्हीकल है या लोकल कार्स वगैरह हैं, उनसे आप उसके थ्रू आ सकते हैं और अच्छे वेदर का आप नज़ारा ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। और यहाँ होटल्स वगैरह भी आप देख पा रहे हैं, और भीड़ है यहाँ पर, अब स्टार्ट हुई है धीरे धीरे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ईज़िली आ सकते हैं, कोई इशू इतना नहीं है अब। क्योंकि पहले तो ये था कि आप नेगेटिव टेस्ट कोविड की आप रिपोर्ट लेके आएंगे तभी आपको यहाँ पर जाने दिया जाएगा विदाउट क्वारंटीन हुए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं ईज़िली। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और लोग हैं काफ़ी, लोकल बसेस तो चल ही रही हैं, लोकल बसेस का कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, जो है आपका सीधा बस स्टैंड, आप देख रहे होंगे नज़ारा। आपको मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लेक का लेवल है वो भी काफ़ी ऊपर हो गया है, देख रहे होंगे सामने वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडा है यहाँ पर, लेवल भी काफ़ी ऊपर हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सिटी से आना चाहते हैं तो अब आप दिल्ली से यहां पर आ सकते हैं इजीली, क्योंकि बस सर्विस जो है 1st of October से स्टार्ट हो गई है, और यहां वेदर भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अगर आप यहां तक हल्द्वानी तक आते हैं, फिर वहां से आप लोकल बसेस जो होती हैं या लोकल टैक्सीज के थ्रू आप आ सकते हैं, अपना व्हीकल भी लेके आ सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन में हमें थोड़ा सा कंसेशन अभी गवर्नमेंट ने दिया है 1st of October से, ये देख पा रहे हैं आप, काठगोदाम से ये रास्ता आता है
ऊपर आप बोर्ड देख पा रहे होंगे और ये है, हम इसमें एंटर करने जा रहे हैं तल्लीताल व्यापार मंडल। नैनीताल हल्द्वानी के रास्ते में और देख पा रहे हैं आप बादल, ऐसा नज़ारा है। अभी मौसम हो चुका है ठंडा काफ़ी।